तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है वीनस साइनस ऑफ ड्यूरा मैटर। और यार ये जो वीनस साइनस है ना, ये अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाते। मेनली इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो इमेजिनेशन की आती है। लेकिन इसको तुम्हें अच्छे तरीके समझाने के लिए मैं आज तुम्हें मेरे इस 3D मॉडल से भी बताऊंगा पूरा वीनस साइनस। उसके अलावा यार मैंने ये तुम्हारे लिए मॉडल भी बनाया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से समझ में आए। तो अपन क्या पूरा इससे अच्छे से समझेंगे किस तरीके से कौन कौन से वीनस साइनसेस होते हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा किसको यूनिवर्सिटी में किस हेडिंग में लिखना है, और इसके मेरे आपके नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। तो अपन अब शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अपना ये जो ब्रेन है ना, वो अपना है शल्क बोन के अंदर, ठीक है। और इस ब्रेन की कवरिंग को अपन बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। अपन को पता है टोटल अपनी 3 लेयर की होती है ब्रेन की कवरिंग। सबसे पहले बाहर अपना होता है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के बाद अपना होता है अरेकनॉइड मैटर, उसके बाद अपना आता है पाया मैटर। इतना अपन जो है नीट के लिए बेसिक में भी पढ़ के आते हैं। अगर आप यहाँ पे मेरा डायग्राम देखो तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे बाहर ये जो है एक्चुअली में अपनी ब्रेन की ही कवरिंग है। तो इसमें सबसे आउटर में सबसे बाहर अपनी है ड्यूरा मैटर। टेनिस ड्यूरा मैटर के जस्ट अंदर के साइड अपना प्रेजेंट होता है एरेक्नोइड मैटर। देन इस एरेक्नोइड मैटर के बाद इसकी फाइनल लेयर, उसको अपन बोलते हैं पाया मैटर। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो ड्यूरा मैटर जो रहता है ना, वो एक्चुअली में दो लेयर का होता है, वो दो लेयर से बनता है। तो इस ड्यूरा मैटर की आउटर लेयर जो सबसे बाहर है उसको अपन बोलते हैं एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। और इस ड्यूरा मैटर की दूसरी लेयर जो कि अंदर की तरफ है उसे अपन बोलते हैं मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। और इन दोनों लेयर्स को मिला के फिर अपन बोलते हैं एक ड्यूरा मैटर। अब क्या होता है, अब ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स हैं, आउटर और इनर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। तो उन दोनों के बीच में अपना क्या पूरा एक वेन्स का साइनस प्रेजेंट होता है। मतलब अपनी यहाँ पे क्या इस ड्यूरा मैटर के अंदर ये आपको दिख भी रहा होगा, पूरी अपनी क्या वेन्स प्रेजेंट होती है। और ये सारी वेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं वीनस साइनस। और ये ड्यूरा मैटर के अंदर है इसलिए अपन इसको बोलते हैं वीनस साइनस ऑफ ड्यूरा मैटर। तो अब आपको क्या ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस साइनस को बताने से पहले मुझे तुम्हें थोड़ा सा क्या ब्रेन रिवाइज करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अब आप देखो, ये अपना पूरा है ब्रेन। अपन जानते हैं ये जो ह्यूमन ब्रेन जो है वो दो हेमिस्फीयर से बनता है, एक अपना राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और नीचे की तरफ अपना प्रेजेंट रहता है एक सेरेबेलम, और अपनी होती है एक ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा पूरा एक वीनस साइनस। अब इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं एक हेमिस्फीयर को क्या हाइड करता हूँ, तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा ये जो आपको लेयर दिख रही है ना यहाँ पे ग्रे से, ये एक्चुअली में अपनी ड्यूरा मैटर ही है। तो क्या होता है, ये जो ड्यूरा मैटर है ना, वो अपने ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर के बीच में कुछ एक्सटेंड कर जाता है कुछ इस तरीके से। मैं इसको पूरा सेपरेट करूँ तो अब आपको एक क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये एक्चुअली में अपने ब्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ड्यूरा मैटर, वो क्या करती है, ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं ना राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसके बीच में एक्सटेंड कर जाती है कुछ इस तरीके से। और फिर अपन इस स्ट्रक्चर को बोलने लगते हैं फ्लेक्स सेरेबेरी। ये अच्छे से याद कर लेना, मैं फिर से बताऊं, ये दोनों मुझे क्या यहाँ पे आपको बोन हाइड ही करनी पड़ेगी, ये दोनों राइट और लेफ्ट ये सेरेब्रम के बीच में जो ड्यूरा मैटर की लेयर एक्सटेंड हुई है उसका नाम है फ्लेक्स सेरेब्री। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे क्या आता है सेरेब्रम, नीचे की तरफ अपना है सेरेबेलम। तो इन दोनों सेरेबेलम के बीच में भी ये जो ड्यूरा मैटर की लेयर है ना वो एक्सटेंड करती है। तो तब अपन इस पार्ट को बोलने लगते हैं फ्लेक्स सेरेबेली। अभी अपन ने क्या बोला था फ्लेक्स सेरेब्री, अब अपन इसको बोलने लगते हैं फ्लेक्स सेरेब्री, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना वो। और फिर अपना एक लास्ट में ये आपको एक ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये भी अपनी जो ड्यूरा मैटर है वो अब क्या कर रही है, अपना सेरेब्रम और सेरेबेलम इन दोनों के बीच में एक्सटेंड कर रही है।
उसका नाम एक्चुअली में होता है टेंटोरम सेरेबेली। और ये टेंटोरम सेरेबेली क्या करती है, अपने सेरेब्रम और सेरेबेलम इन दोनों को सेपरेट करने का ये काम करती है। तो आपको क्या ये इतने तीन स्ट्रक्चर अच्छे से याद होने चाहिए, फ्लैग सेरेब्री जो कि ये वाला पार्ट होता है, फ्लैग सेरेब्री, देन फ्लैग सेरेबेली, और फिर अपना एक होता है टेंटोरम सेरेबेली। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, ये एक्चुअली में अपने ड्यूरा मैटर की जो लेयर होती है ना उसी के अंदर की तरफ एक्सटेंजन से बनती हैं। और अपन को पता है ड्यूरा मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही, ड्यूरा मैटर के अंदर प्रेजेंट अपना होता है पूरा ब्रेन का साइनसेस। तो अब आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ये जो अपना फ्लैग सेरेब्री है उसके जस्ट ऊपर के साइड अब आपको यहाँ पे पूरी वेन दिख रही होगी, उसी वेन को अपन बोलते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस। ये आपको यहाँ पे दिख पा रही है ना, तो इसी के नाम है सुपीरियर सजाइटल साइनस। अब जाहिर सी बात है, अब एक सुपीरियर है तो इन्फीरियर भी होगी, तो इसी जो फ्लैग सेरेब्री है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती है यहाँ पे इन्फीरियर सजाइटल साइनस। तो एक यहाँ पे हो गया सुपीरियर सजाइटल साइनस, दूसरा यहाँ पे है एक इन्फीरियर सजाइटल साइनस। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर दिख पा रहा है, ये जो इन्फीरियर सजाइटल साइनस है ये मैंने आपके लिए हाईलाइट करा, ये इन्फीरियर सजाइटल साइनस आगे की तरफ कंटिन्यू हो रहा है एज ए स्ट्रेट साइनस में। मैं यहाँ पे आपको पिंच भी करता हूँ स्ट्रेट साइनस को, ये देखिए, तो इसी के नाम है अपना एक स्ट्रेट साइनस। तो ये जो इन्फीरियर सजाइटल साइनस है ना वो आगे की तरफ अपना कंटिन्यू करता है एज ए स्ट्रेट साइनस में। उसके बाद अपन पीछे से देखते हैं, तो अब आपको यहाँ पे दो ट्रांसवर्स साइनस दिखेंगे, ये राइट में एक ट्रांसवर्स साइनस, दूसरा एक लेफ्ट में ट्रांसवर्स साइनस। ये आप नीचे भी देख सकते हैं इस 2D डायग्राम में, तो इस तरफ है ये ट्रांसवर्स साइनस। और आपको ये बीच में अब एक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस। इसका नाम कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या एक तरीके का मीटिंग पॉइंट है जहां पे आपके दोनों ट्रांसवर्स साइनस मीट करता है सुपीरियर सजाइटल साइनस से और अपना इन्फीरियर सजाइटल साइनस से। ये वही इन्फीस अपना एक इन्फीरियर सजाइटल साइनस से, ये जो इन्फीरियर सजाइटल साइनस है ना ये स्ट्रेट साइनस के थ्रू अपना बीच में मिलता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस पे। उसके बाद अब अगर अपन देखें, ये जो ट्रांसवर्स साइनस है ना ये आगे जाके अपना सिग्मोइड शेप का बन जाता है। मैं जूम करूं यहाँ पे, ये जो ट्रांसवर्स साइनस है ये आगे जाके अपना कैसा हो रहा है, अपना सिग्मोइड बन रहा है, तो फिर अपन इसको बोलते हैं सिग्मोइड साइनस। ये तो दिख रहा है ना ये नीचे की तरफ आपको, तो इसको बोलते हैं फिर अपन सिग्मोइड साइनस। आपको सिर्फ यहाँ पे नाम ही याद करने हैं, मेनली इसमें याद करने का ही होता है, ठीक है। देन इस सिग्मोइड साइनस से आपको दो वेन्स दिख रही होंगी ड्रेन होती हुई, इसको अपन बोलते हैं ऊपर वाली को सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं, तो ये जो है ना ये अपनी है सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। अब जाहिर सी बात है, अब एक सुपीरियर है तो एक इन्फीरियर भी होगा, तो नीचे की तरफ अपनी है इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस। तो यहाँ पे दो साइनसेस हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस, दोनों के दोनों बीच में एक राउंड साइनस में खुल रही हैं, उसका नाम है कवर्नर साइनस। मैं आपको इसमें दिखाऊं मॉडल में, तो आपको क्या क्लियरली दिखेगा कवर्नर साइनस, अगर मैं यहाँ पे ब्रेन आपको ले आऊं, ये अब आप देखिए, तो ये जो है ना राउंड, इसको अपन बोलते हैं कवर्नर साइनस। और यार ये जो कवर्नर साइनस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट साइनस होता है, इसको और फर्दर अपन डिटेल में इसकी पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। देन इस कवर्नर साइनस से ही ऊपर की तरफ अपना एक और साइनस निकलता है, उससे अपन बोलते हैं स्पिनो पैराइटल साइनस। अब इसको क्या मैं आपको फिर से एक बार 3D मॉडल में अच्छे से दिखाता हूँ, तो आपका क्लियर अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए,
तो ये जो 2D में जो मॉडल है ना उसी का ये 3D डायग्राम है। तो सबसे पहले अपन को क्या याद करना है, अपना एक बड़ा साइनस, ये अपना है सुपीरियर सजाइटल साइनस। देन सुपीरियर के जस्ट नीचे अपना एक है इन्फीरियर सजाइटल साइनस, ठीक है ना। देन ये इन्फीरियर सजाइटल साइनस अपना आगे कंटिन्यू होता है एज ए स्ट्रेट साइनस में, तो यही है अपना स्ट्रेट साइनस। देन स्ट्रेट साइनस के बाद अब आपको पीछे की तरफ दो यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनस दिख रहे होंगे, तो इसे अपन बोलते हैं 2 ट्रांसवर्स साइनस। और ये नीचे की तरफ अपना एक रहता है यहाँ पे ऑक्सीपिटल साइनस, ठीक है ना। और ये जो बड़ा सा ये जो पॉइंट दिख रहा है ना बीच में, इसी को अपन बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस। इसी कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस पे अपना सुपीरियर सजाइटल साइनस और दो ट्रांसवर्स साइनस और पीछे से अपना स्ट्रेट साइनस मीट कर रहा है, तो बीच वाले को अपन बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस। देन इसी कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस के बाद ये जो ट्रांसवर्स साइनस था अपना, वो आगे एक सिग्मॉइड शेप का बन रहा है, तो इसे अपन बोलते हैं सिग्मॉइड साइनस। और ये सिग्मॉइड साइनस जो है नीचे की तरफ जाके अपना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में कंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद ये जो सिग्मॉइड साइनस है उसमें क्या आ रही थी अपनी ये दो वेंस, ये आपको नीचे भी दिख रहा होगा 2D डायग्राम में। तो ये ऊपर वाली है अपनी सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। अब जैसे सुपीरियर है तो एक इन्फीरियर भी होगा, और नीचे है अपनी इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस। देन आगे की तरफ अपना एक राउंड सा साइनस है, इसी को अपन बोलते हैं कवर्नर साइनस। ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ये है राइट कवर्नर साइनस और ये है लेफ्ट कवर्नर साइनस। और इसी कवर्नर साइनस से ऊपर की तरफ एक और साइनस जा रहा है, उसको अपन बोलते हैं स्पिनोपैराइटल साइनस। और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों साइनस होते हैं ना कवर्नर साइनस, वो दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ टू वेंस। इसको अपन बोलते हैं इंटीरियर, जो इंटीरियर में है उसका नाम है इंटीरियर, पीछे वाले का नाम है पोस्टेरियर। तो ये इंटीरियर पोस्टेरियर इंटर कवर्नर साइनस, क्योंकि दोनों कवर्नर्स को जोड़ रही है इसलिए इसका नाम है इंटीरियर पोस्टेरियर इंटर कवर्नर साइनस। तो ये पूरा का पूरा जो था ये मैंने आपको क्या 3D मॉडल के साथ बताया, पूरा का पूरा कवर्नर साइनस। और यार इस मॉडल को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, तुम चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, मैं इसको अभी लेटर सेक्शन में देख रहा हूँ। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आए ना तो इस वीडियो को बिल्कुल तुम लाइक करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले मुझे इस तरीके से मॉडल बनाने पड़ते हैं अगर और डिटेल में समझाना है तो, उसके बाद मैं सारे नोट्स लिखता हूँ, देन मैं खुद ही इसको शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, सारे काम मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए, उससे थोड़े से भी आपकी हेल्प हुई हो, कंसेप्ट क्लियर हुए हों, तो इस वीडियो को लाइक करना। और मेनली यार उसको क्या इसी में प्रॉब्लम आती है इमेजिनेशन में, लेकिन अब अपन ने उसको 3D मॉडल्स में देख लिया तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से इमेजिन हो गई होंगी। अब इसको क्या मैं अपने डिटेल में बताता हूँ मेरे नोट्स में, तो यहाँ पे यही लिखा है एक्चुअली में जो ड्यूरा मैटर के बीच में दो लेयर्स के अपने ड्यूरा मैटर थी ना, उन दोनों के बीच में जो स्पेस जो रहती है ना उसी का अपन बोलते हैं वीनस स्पेस। मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो ये अपनी है ड्यूरा मैटर की आउटर एंडोस्टियल लेयर और ये इनर वाली मेनिंजियल लेयर, और इन दोनों के बीच में अपना प्रेजेंट होता है पूरा वीनस साइनस। तो इसी को अपन बोलते हैं वीनस स्पेस, जिसके अंदर अपना पूरा वीनस साइनस प्रेजेंट होता है। और ये जो ड्यूरा मेटल की ये जो लेयर है उसमें कोई भी मसल वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, तो यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे कोई भी मसल वगैरह नहीं प्रेजेंट है। उसके अलावा अपन दूसरी वेंस में देखते हैं कि अपने वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पे क्या कोई भी वॉल्व भी प्रेजेंट नहीं होते हैं अपने ड्यूरनल वीनस साइनस में। उसके अलावा सारा का सारा वीनस साइनस एक्चुअली में कर क्या रहा है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन कर रहा है, तो ये जो वीनस साइनस है वो मेनली अपना ब्रेन से, ब्रेन की कवरिंग मेनिंजेस से और अपने शल्क बोन से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है। और ये जो वेन्स है ना
ये एक्चुअली में यार अपन देखते हैं शल्क बोन के अंदर है, ये अपनी ब्रेन की कवरिंग जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट है, और अपना ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट है, वो अपना शल्क बोन में प्रेजेंट है। तो ये सारी की सारी वेन एक्चुअली में अपनी शल्क बोन के अंदर होती है, इसलिए अपन इसको इंट्रा करेनियल वेन्स भी बोलते हैं। अब एक वेन अपनी हो गई जो कि शल्क बोन के अंदर है, जो कि है इंट्रा करेनियल वेन्स, जो उसके अंदर क्या आ रहा है, अपना पूरा वीनस साइनस। उसके अलावा कुछ वेन जो हैं उसके बाहर भी प्रेजेंट रहती हैं, अपने शल्क बोन के बाहर भी प्रेजेंट रहती हैं, उन सारी वेन्स को अपन बोलते हैं एक्सटर्नल करेनियल वेन्स। जैसे कि उसके अंदर अपने आ गई इंटरनल जुगलर वेन्स और एक्सटर्नल जुगलर वेन। तो सारी की सारी क्या है, ये शल्क बोन के बाहर हैं। अब क्या रहता है, ये जो करेनियल वेन्स है ना, अपना है पूरा ड्यूरनल साइनस, वो अपनी आउटसाइड वेन के साथ जो है कम्युनिकेट करती हैं थ्रू इमेजिनरी वेन्स। अब इसके बारे में मैंने जो है आपको स्कैल्प की वीडियो में ही बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक आई बटन पे है, आप स्कैल्प की वीडियो में भी देख लेना। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या रहता है, अपने इंटरकरेनियल वेन्स और अपने आउटसाइड वेन, शल्क के जो आउटसाइड वाली वेन्स हैं, उन दोनों वेन्स को जोड़ने का काम अपना करता है इमेजिनरी वेन्स। तो इमेजिनरी वेन्स अपन उन वेन्स को बोलते हैं जो कि करेनियल वेन्स को आउटसाइड, शल्क शल्क की आउटसाइड वाली वेन्स को जोड़ता है। अब मेनली अपन ये कम्युनिकेशन क्यों करवाते हैं दोनों वेन्स में, ताकि जो ब्लड प्रेशर जो है अपन दोनों में कांस्टेंट बना सकें, अपनी शल्क की अंदर वाली वेन्स में और शल्क के बाहर वाली वेन्स में, उन दोनों में अपन जो ब्लड प्रेशर है वो कांस्टेंट बना रखें, इसलिए अपन दोनों वेन्स को इमेजिनरी वेन से कनेक्ट करते हैं। अब फिर अपन आते हैं टोटल कितने साइनस हैं, तो टोटल जो है 23 साइनस अपने प्रेजेंट होते हैं, जिसमें अपने 8 जो है वो पेयर हैं और 7 उसमें अनपेयर होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये पेयर और ये अनपेयर क्या है, तो उसको समझाऊं मैं आपको। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो कवर्नर साइनस, अब कवर्नर साइनस अपनी बॉडी में 2 प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलेंगे पेयर। तो इस तरीके से पेयर जो है साइनस वो 8 है नंबर में, और ये अपना सुपीरियर सजाइटल साइनस अपनी बॉडी में एक ही है तो उसको अपन बोलेंगे अनपेयर। तो इस तरीके से 7 अनपेयर साइनस अपने पास प्रेजेंट है। अब आपको सिर्फ क्या नाम नाम याद होने चाहिए कौन से पेयर हैं कौन से अनपेयर हैं। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपना कवर्नर साइनस, कवर्नर साइनस जो है अपनी बॉडी में 2 प्रेजेंट होते हैं। कवर्नर साइनस के बाद सुपीरियर और इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, जैसा इस तरफ है ना सिमिलरली इस साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है, तो अपना सुपीरियर और इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। उसके बाद अपना ट्रांसवर्स साइनस, ये आप यहाँ पे देखो तो टोटल 2 ट्रांसवर्स साइनस है ना, एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो अपने 2 ट्रांसवर्स साइनस। देन ट्रांसवर्स साइनस आगे अपना सिग्मोइड बनता है, देन सिग्मोइड साइनस भी अपने 2 होते हैं नंबर में। उसके बाद कवर्नर साइनस से ही ऊपर की तरफ एक और साइनस निकलता है, उसे अपन बोलते हैं स्पिनो पेराइटल साइनस। तो टोटल 2 स्पिनो पेराइटल साइनस हैं, एक इस तरफ भी होता है दूसरा इस तरफ भी होता है। उसके बाद वाले ये जो 2 साइनस है ना, ये एक्चुअली में थोड़े डीपली प्रेजेंट रहते हैं, ये मॉडल मैं आपको नहीं बना सकता था, तो आप इसके डायरेक्ट या नाम याद कर लेना, एक पराइटो सेक्यूमोनस साइनस, दूसरा मिडिल मेनिंजियल साइनस। फिर अपन बात करते हैं अनपेयर साइनस में, तो यहाँ पे सबसे पहले एक है सुपीरियर सजाइटल साइनस, ये अपना अनपेयर ही है, ये आपको दिख रहा है। देन सुपीरियर के बाद इंफीरियर सजाइटल साइनस, ये भी अनपेयर है। फिर अपना स्ट्रेट साइनस, ये जो था ना ये अपना स्ट्रेट साइनस। फिर अपना एक ऑक्सीपिटल साइनस, उसके अलावा इंटीरियर और पोस्टीरियर इंटर कवर्नर साइनस, ये भी सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही इंटीरियर होता है और एक ही पोस्टीरियर होता है, इसलिए ये भी अपना जो है अनपेयर वीनस साइनसिस में आता है। उसके अलावा लास्ट में एक अपना होता है पूरा बेजिलार प्लेक्सिस, ये भी अपना एक अनपेयर वीनस साइनस है। बेजिलर प्लेक्सिस के बारे में आपको मैं बताऊं तो क्या होता है, ये जो इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से वो प्रेजेंट रहता है,
मैं आपको उसको डायग्राम में भी दिखाऊंगा अगर, तो आप यहाँ पे देखो ये एक्चुअली मुझे डायग्राम है ना यार, ये अपना कवर्नर साइनस का वीडियो है, उस ये अपना कवर्नर साइनस का डायग्राम है। इसके वीडियो मिस मत करना क्योंकि मेनली यूनिवर्सिटी में यही लिखने के लिए आता है कवर्नर साइनस। तो ये अपने दोनों कवर्नर साइनस है, एक राइट का और एक लेफ्ट का, और इन दोनों को जोड़ रही है वेन, इंटीरियर और पोस्टीरियर इंटर कवर्नर साइनस। और उसके पीछे ये जो आपको एक वेन का प्लेक्सिस दिख रहा है ना, इसे ही अपन बोलते हैं बेजिलार वीनस प्लेक्सिस। ये भी अपना एक अनपेयर वेनस, ये भी अपना एक अनपेयर वीनस साइनस होता है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा वीनस साइनस बता दिया, अब मैं मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ और फिर ये भी बताऊंगा इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहां पे मैंने क्या आपको HD में सारे नोट्स प्रोवाइड करे हैं, तो आपके HD में भी नोट्स ले लो मुझसे। तो कभी अगर यूनिवर्सिटी में आता है तो मैं बताता हूँ तो कैसे लिखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा शॉर्ट नोट में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वीनस साइनस ऑफ ड्यूरा मैटर। वैसे इससे भी ज्यादा चांसेस अपने होते हैं कवर्नर साइनस पे क्वेश्चन आए, मेनली इसी पे ही क्वेश्चन आता है। सिर्फ 20% चांसेस है अगर इस पे क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको हेडिंग बताता हूँ किस किस हेडिंग में आप लिखोगे। पहले आप मेन हेडिंग डालना वीनस साइनस, फिर उसमें ये इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट आप लिख देना। उसके बाद आप लिखना कि टोटल 23 नंबर के होते हैं वो, 8 पेयर हैं, 7 अनपेयर हैं। फिर आप सारे पेयर के नाम लिखोगे और फिर सारे अनपेयर के नाम लिखना। इतना करने के बाद इसमें से जो मेन मेन जो साइनस होते हैं, जैसे कि कवर्नर साइनस है जो कि मैं इसकी पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा, लिंक आई बटन पे है, फिर तुम क्या करोगे कवर्नर साइनस की हेडिंग डालना और थोड़ा सा कवर्नर साइनस को एक्सप्लेन करना। ऐसे करके तुम अगर 4 भी साइनस एक्सप्लेन कर दोगे ना, मेनली कवर्नर साइनस, सुपीरियर सजाइटल, इन्फीरियर सजाइटल और ट्रांसवर्स साइनस, यानी 4 साइनसेस को आप BDC या विश्राम सिंह जो भी आपके पास बुक हो उसमें से थोड़ा रीड कर लेना, और इन चार को आप थोड़ा और इन चार को जो है आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, क्योंकि एज ए शॉर्ट नोट में इतना जो है अपना सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, अपन को थोड़ा उसमें ऐड करके लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो है ये एक डायग्राम, ये वाला एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें सारे साइनसेस आपके दिख रहे हैं। तो कुछ इस हेडिंग में जो है अपन को वीनस साइनस लिखना है। और आपके मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को तुम लाइक करना मत भूलना और मेरे साथ बने रहो, अपने इसी तरीके से पूरी एनाटॉमी देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।